जिंदगी में पहली बार किसी मुसीबत से भागी थी मैं, और उस मुसीबत का नाम है समृद्ध। वो लड़का मुझे अगर कहीं नजर आ गया ना, उसका वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर किसी लड़की को बेवकूफ बनाता नजर आया तो जिंदगी भर चक्की पीसेगा जेल में। छोड़ो ना सभी, क्यों अतीत के पन्ने पलट रही हो? अरे भाई, तुम्हारी जिंदगी की कहानी, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती दिखाई देनी चाहिए। अब तुम वहां गई हो, तुम्हारे मनपसंद कॉलेज में पढ़ रही हो, साथ साथ हरिनी का भी ख्याल रख रही हो। भाई को अब मुझे ही संभालना है, और मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी उनका। बस अभी थोड़ी देर में उन्हें चेकअप के लिए लेके जाना है। और एक और बात, आप और आजोबा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ यहाँ ताई के साथ, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी उनका। चला नंतर बोलूंगा। सुखीरा। हाँ सभी, अब तुम और हरिनी एक दूसरे का सहारा हो। तुम्हारे आजी आजोबा बूढ़े हो गए हैं ना, पता नहीं कल क्या हो। आजी, खबरदार जो दूसरी बार ऐसा बोला तू। अभी तो मेरे आजी और आजोबा जवान हैं, बहुत कुछ देखना है। मुझे आईएएस ऑफिसर बनते भी तो देखना है ना। नागपुर का जो हमारा सवान निवास है, उसे मैं खरीदूंगी। हम सब हमारे असली घर में रहेंगे, यही तो मेरा सपना है। और ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगी, आई प्रॉमिस। बापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे सभी। अब जाओ, हरिनी के पास जाओ। बस मैं ही जा रही हूँ। अरे तुमने वो, मैं ही भूल गई तुम्हें पूछना, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बड़ा? वो हरिनी कह रही थी कि कोई प्रोफेसर है जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब सभी, ईशान सर ये सब क्यों लेकर आए? अच्छे इंसान है ईशान सर, देख तो कितनी प्यारी बात लिखी है उन्होंने। तू देखना, शायद इसमें भी कुछ लिखा हो, देखना। अरे वाह, गुरु अपने शिष्य के लिए इतना सुंदर केक लेकर आए। सभी मला एक गोष्ट कळत नाहीये, ये सॉरी क्यों लिखा है इन्होंने? सवी, काय करत आहे तू? फेक क्यों रही है? अभी तूने आई को डस्टबिन में फेंकने से रोका और खुद वही काम कर रही है, क्यों? क्योंकि आपकी आई का कोई हक नहीं बनता, लेकिन मेरा पूरा पूरा हक बनता। ये ना शान सर तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं, पहले गलती करते हैं, इतना डांटते हैं, उसके बाद रियलाइज करने के बाद माफी मांग लेते हैं, उनका पैटर्न बन गया है। लेकिन नहीं, अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। इस बार जैसे उन्होंने बिहेव किया ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ना कोई नाता रखना ही नहीं है उनके साथ, ना ही उनका शिष्य बनना है, ना ही उनकी माफी चाहिए। वो प्रोफेसर है, मैं स्टूडेंट हूँ, दैट्स इट। मेरे लाइफ में मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए।